बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है कि अपने ही थाने में अब आरोपी बन गया पुलिसकर्मी। दरअसल एसआई नितिन पांडे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एसआई की पत्नी ने दर्ज करवाया है दहेज प्रताड़ना का केस। बस स्टैंड चौकी प्रभारी नितिन पांडे पर महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दूं 2016 में नितिन की शादी प्राची पांडे से हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करता था एसआई। दहेज में 30 लाख देने के बाद भी फॉर्चुनर कार की मांग कर रहा था। ऐसे में एसआई के परिवार पर भी दर्ज हुआ है दहेज प्रताड़ना का केस और पहले भी अपनी कार्यशैली को लेकर विवादों में रहा है ये पुलिसकर्मी। बड़ी खबर आपको जबलपुर से दे, जहां अपने ही थाने में पुलिसकर्मी आज आरोपी बन गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं, फोन कॉल पर जुड़े, सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। दुर्गेश, दहेज एक कुप्रथा, इसमें भी समाज के जिम्मेदार लोग जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो पूरी सामाजिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एसआई नितिन पांडे का ये ताजा मामला क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन्हीं लोगों पर ये जिम्मेदारी रहती है कि अगर प्रताड़ित महिला इनके पास पहुंचे तो उसे न्याय दिलाए। लेकिन जब न्याय दिलाने वाले ही इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर सवाल उठना लाजमी है। यही मामला इस मामले पर आया। एसआई नितिन पांडे ने जिसकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही जो है जो उसकी पत्नी प्राची पांडे उससे लगातार विवाद होता था। परिवार के लोग लग्जरी गाड़ी की डिमांड करते थे लगातार और इस बात को लेकर कई बार विवाद भी सामने आ चुका था। 2016 में शादी हुई थी, यानी 2024 तक 8 साल हो गए पूरे मामले चलते हुए। उसके बाद आखिरकार जो महिला थी, जो पीड़ित थी, उसने कहीं ना कहीं परेशान होकर ही फिर मामला दर्ज कराया और पुलिस भी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसआई के परिवार पर भी जो दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज हुआ है और पूर्व में भी कई अपनी अपनी काम कार्यशैली को लेकर जो है विवादों में रह चुका है। तो निश्चित तौर पर अब पूरे मामले पर पुलिस भी जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी।